नमस्कार दोस्तों, सिविल सॉल्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग लेंथ। आज हम सीखेंगे कि ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है और ये कहाँ पे कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरलैपिंग लेंथ होता क्या है। तो ओवरलैपिंग लेंथ इज़ प्रोवाइडेड फॉर मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बार्स इन ऑर्डर टू सेफली ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। इसका कहने का मतलब ये है, हम सभी को पता है कि हमारी जो स्टील बार्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो फिक्स लेंथ होती है हमारी, 10 या 12 मीटर की हमारी स्टील बार का लेंथ होता है। तो होता क्या है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमें कॉन्टीन्यूअस बीम और कॉन्टीन्यूअस कॉलम प्रोवाइड करने होते हैं। तो इन बीम और कॉलम की कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमें एक बार को दूसरी बार से ज्वाइन करना होता है, ताकि आपका ऊपर से जो भी लोड आए वो एक बार से दूसरी बार से होते हुए नीचे फाउंडेशन तक सेफली ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जो हमारा इन दो बार्स का जॉइंट का लेंथ होता है, इसी को हम बोलते हैं लैप लेंथ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ओवरलैपिंग लेंथ कहाँ पे कितना प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरलैपिंग लेंथ का हमारा कोई फिक्स थंब रूल नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका ओवरलैपिंग लेंथ होता है ये आपका किस पे डिपेंड होता है, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो उसको डिज़ाइन करके हमें ड्राइंग में मेंशन करता है। लेकिन फिर भी जो जनरली यूज़ किया जाता है साइट्स पे वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम कॉलम का देख लेते हैं। तो एज़ पर IS कोड 456/2000 ओवरलैपिंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग आपका जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा 75 mm तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। इससे कम हमें किसी भी हाल में नहीं लेना है, हालांकि इससे ज़्यादा ही लेते हैं हम। इन केस ऑफ कॉलम जनरली वी टेक 24D to 40D वेयर डी इज़ द डायमीटर ऑफ बार। कॉलम के केस में हम 24 to 40D हम ले सकते हैं, यानी कि कॉलम में आपका 24D तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। हालांकि कॉलम में मोस्टली 40D ही लिया जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो किस पे डिपेंड होता है, टोटली ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। तो एज़ पर ड्राइंग हमें लेना होता है वो, लेकिन जनरली 40D कंसिडर किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ओवरलैपिंग करते समय ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला, लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ कॉलम। कॉलम के केस में आपको ओवरलैपिंग कॉलम के सेंटर में प्रोवाइड करनी होती है। अब सेंटर में कहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो आपको करना क्या है, ऊपर और नीचे से L/4 लेंथ छोड़ के ये जो आपका बीच में लेंथ बचेगा यहाँ पे आप ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड कर सकते हो। L हमारे यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम। सेंटर में क्यों करते हैं, क्योंकि कॉलम के अपर और लोअर पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम रहता है, तो इसलिए हम ओवरलैपिंग कॉलम की सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। लैपिंग ऑफ बार शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटली। हमें बार्स के ओवरलैपिंग अल्टरनेटली प्रोवाइड करनी है। अल्टरनेटली का मतलब, जैसे आपने इस बार की ओवरलैपिंग यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो इसे अगली बार की ओवरलैपिंग इस बार से ऊपर या नीचे प्रोवाइड करनी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने एक ही सीक्वेंस में सभी चारों बार्स की ओवरलैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आपने इस बार की यहाँ पे प्रोवाइड की है तो अगली बार की उससे ऊपर या इससे नीचे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर आप एक ही सीक्वेंस में ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर दोगे तो आपके कॉलम के बेंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें ओवरलैपिंग अल्टरनेटली प्रोवाइड करनी है। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। लैटरल टाई शुड बी प्रोवाइडेड क्लोजली स्पेस्ड इन लैपिंग जोन। लैपिंग जोन में हमें लैटरल टाई की स्पेसिंग मिनिमम रखनी है एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शन ऑफ कॉलम। सपोज कीजिए आपने कॉलम में 150 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग प्रोवाइड की है, तो आपने लैपिंग जोन में 100 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बीम में हमें ओवरलैपिंग कितना प्रोवाइड करना है। तो इन द केस ऑफ बीम वी जनरली टेक 24D फॉर कंप्रेशन जोन एंड 45D फॉर टेंसाइल जोन। जैसा कि आप सभी को पता है, बीम में हमारे दो पोर्शन होते हैं। जो हमारा अपर पोर्शन होता है बीम का वो होता है हमारा कंप्रेशन जोन, और जो लोअर पोर्शन होता है बीम का वो हमारा होता है टेंसाइल जोन। तो कंप्रेशन जोन में हम 24D ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और टेंसाइल जोन में हम 45D ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें बीम में ओवरलैपिंग करते समय ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला, ओवरलैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ बीम। एज फार एज पॉसिबल इट इज़ प्रोवाइडेड एट कॉलम बीम जंक्शन और इन L/4 लेंथ फ्रॉम द कास्टिंग फेस ऑफ कॉलम। इसका कहने का मतलब यह है कि बीम के केस में हमें ओवरलैपिंग सेंटर में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करनी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बीम में हमें ओवरलैपिंग सेंटर में प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि बीम पे हमारा सेंटर में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बीम में हमें ओवरलैपिंग सेंटर में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरलैपिंग लेंथ अगर हम सेंटर में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जितना पॉसिबल हो सके आपको ओवरलैपिंग कॉलम बीम जंक्शन में प्रोवाइड करनी है।
अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम कॉलम के कास्टिंग फेस से ये जो हमारा एल बाई फोर लेंथ है तो इस लेंथ में भी आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर सकते हो। एल हमारा यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। आपका बीम का जितना भी लेंथ है उसको आपको फोर से डिवाइड करना है तो उससे आपका जो भी लेंथ आएगा उस लेंथ में आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन सेंटर में हमें प्रोवाइड नहीं करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो स्टीरअप शुड बी क्लोजली स्पेस्ड एट लैपिंग जोन। तो जैसा कि मैंने आपको कॉलम में बताया था उसी तरह आपको बीम में भी जहाँ पर भी आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ पर आपको स्टीरअप की स्पेसिंग मिनिमम रखनी है एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शन ऑफ बीम। नेक्स्ट, लैपिंग ऑफ बार शुड बी अल्टरनेटली प्रोवाइडेड। इसका कहने का मतलब ये है बीम में हमारी ये जो चार बार्स हैं इन चारों बार्स की ओवरलैपिंग आपने अल्टरनेटली प्रोवाइड करनी है। सपोज़ कीजिए आपने इस बार की ओवरलैपिंग कॉलम बीम जंक्शन के इस एंड में प्रोवाइड की है, दूसरी बार की ओवरलैपिंग आपने कॉलम बीम जंक्शन के दूसरे एंड पे प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से हमने ऊपर वाली दोनों बार्स में करना है, एक बार की ओवरलैपिंग आपने इस एंड पे प्रोवाइड करनी है और दूसरी बार की ओवरलैपिंग आपने दूसरे एंड पे प्रोवाइड करनी है। कहने का मतलब ये है आपने एक ही सीक्वेंस में चारों बार्स की ओवरलैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। तो चलिए अब हम स्लैब का देख लेते हैं। तो स्लैब में तो हम जनरली 50D ओवरलैपिंग लेंथ कंसिडर करते हैं। स्लैब में आपका ओवरलैपिंग मिनिमम 50D होना ही होना चाहिए। तो ये हमारे ओवरलैपिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि इससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।